लंगर आ रहे हो और चारे सारे वीरों। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई या उनके अहंकार की रक्षा की जा रही, ये सवाल गहराते जा रहे हैं। गोदी मीडिया जोर देकर सुरक्षा में चूक बता रहा है, लेकिन देश के जागे हुए नागरिक वास्तविकता को दूसरे नजरिए से भी देख रहे हैं। असल में इन सारे सवालों का जवाब मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने सरेआम मोदी को घमंडी बताते हुए देश को चौंका दिया था। मैं जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। तो वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। पंजाब का ताजा मामला भी सत्यपाल मलिक के बयान की तस्दीक करता है। सच तो ये है कि मोदी की फिरोजपुर रैली के लिए 10,000 कुर्सियां बिछाई गई थी, लेकिन वहां 700 लोग भी नहीं पहुंचे। जो पहुंचे वे चैनलों के रिपोर्टर और कैमरामैन सहित अधिकारी कर्मचारी थे। इससे पहले कि मोदी जी खाली मैदान को संबोधित करने पहुंचते, यह खबर उन्हें मिल गई कि मैदान साफ है। इससे मोदी जी के अहंकार को गहरी चोट पहुंची। रैली तो रद्द हो गई, लेकिन सारी भाजपा अपने नेता के अहंकार को बचाने में जुट गई। फिरोजपुर की नाकामी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली में सिक्योरिटी लैब्स की स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसके लेखक खुद भाजपा के चाणक्य अमित शाह है। और फिर जेपी नड्डा जैसे नेताओं ने मीडिया के साथ मिलकर इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बता डाला। किसानों के प्रोटेस्ट का इनपुट केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही मिल चुका था। इसके बावजूद पीएम का काफिला वहां से क्यों गुजरा? खैर, मोदी जी के हौसले की भी दाद देनी चाहिए। उनके जिद पर लागू किए गए कृषि कानून पर 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और वे उन्हीं किसानों की बस्ती में चुनावी भाषण देने जा रहे हैं। वाकई ऐसा हौसला किसी अति अहंकारी व्यक्तित्व के भीतर ही पैदा हो सकता है। बात यही खत्म नहीं हुई। मोदी जी ने अपने सुरक्षा पर हुई लापरवाही के लिए पंजाब के अधिकारियों को फटकारते हुए जो कहा, वह दिखाता है कि मोदी कितने डरे हुए हैं। इस मामले पर हमें आपकी राय का इंतजार है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।